नमस्कार, हूँ आप सबने विज्ञान मेळा मारा प्रयोग कुटीर उद्योग विषे थोड़ू कुटीर उद्योग विषे जणावा मांगु छु। कुटीर उद्योग आपणे घरे बधी वस्तु बनावी शकीए एवो उद्योग छे, जेमां आपणे कोई पण वेस्ट मांथी बेस्ट वस्तु पण बनावी शकीए छे। कुटीर उद्योग थी आपणे नानो छोटे छोटे कदम से हम बड़ी इमारत खड़ी करते हैं, वैसे ही हम ऐसे छोटे छोटे कदमों से हम अपना पूरा धंधा शुरू कर सकते हैं। लॉकडाउन है, हमें लग रहा है कि लॉकडाउन है, और हम ऐसे समय में ये सब करके आगे बढ़ सकते हैं, हम धंधा बढ़ा सकते हैं और हम हमारी कमाई बढ़ा सकते हैं। हम अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं, हम ऐसे काम करके थोड़ी सी छोटी सी दुकान रख सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा देश आगे बढ़े, मतलब कि हम अपने देश में कुछ ऐसे इमारतें कुछ धंधे आगे बढ़ाएं कि जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके, और हम इन सब चीजों के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। इनके लिए बस हमें कुछ सामान्य चीज वस्तु चाहिए। इसके लिए बस हमें एक रबड़ का बोटा चाहिए, उसके अंदर एक थोड़े से उनके पत्ते चाहिए, फिर हमें इसे कटिंग करके बनाना है। ये आप कहीं भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये है माटी का मटका, इसे हम मटके के ऊपर हमें बस उनका दौरा लगाना है, उसके बाद हमें इस पर स्टोन लगा सकते हैं। ये चाय की प्याली है जिस पर हमें कुछ भी उनके दौरे से ऐसे करना है, फिर उसके ऊपर सजावट करनी है। उसके बाद हमें इस पर भी ये बोतल है जो हम पेप्सी की फेंक देते हैं, उसमें से भी हम इसमें रख सकते हैं। इसमें या इसमें हम इसमें कुछ नमक ऐसा मसाला जैसा, इसमें हम इलायची मुखवास या कई मेहमानों के दौरान रख सकते हैं। ये आइसक्रीम की डिब्बी है जिसे हम सजावट में रख सकते हैं। ये जिसमें हम मनी रख सकते हैं, वो आपके पैसे का गला है, इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये मटका है जिसमें हम रंग करके इसे बेच सकते हैं, जिसका आप जान ही सकते हो कि ये मटके का भाव कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और हम जान ही सकते हैं कि इसका भाव बढ़ रहा है। हमें इसे एक ऐसे हम लॉकडाउन में हमारी कमाई कर सकते हैं, इसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके द्वारा हमारे देश में छोटी छोटी शुरुआत करनी चाहिए। ये सिर्फ हमें कुछ नहीं, अब अपने टूटे फूटे कपड़ों में से एक पेंट निकाल लें, उसके बाद उसमें से ये हम शर्म में से बना सकते हैं, जिसे हम थोड़े सी बोरी होती है, उस बोरी में से हमें उसे कटिंग करना है, फिर उसमें से ये छोटे छोटे टुकड़े निकालने, उसके बाद इसे हम जैसे ही हमारा हमारे हेयर की हेयर स्टाइल बनाते हैं उसी तरह इसे बनाना है। और फिर एक लोखंड का पिल्लू लेना है, उसे राउंड में लगाना है, फिर उसके ऊपर ये सब रख के इसे फिर उसी ढंग से बांधना है, और उसके बाद हम इसे लगाने का बनाना है। बस ये बन चुका है, और इसमें हम अगर आगे करना चाहते हैं, इस पर कलर लगाना चाहते हैं, इस पर अगर अब हम इस पर स्टोन लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, और इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसे अगर जैसे ही हम इसे थोड़ी ज्यादा ऐसे सजावटों से करेंगे, ये ज्यादा गहरीला हो जाएगा, और हम इस तरह से हम अपना सारी दुकान में ऐसे सब चीजें रख सकते हैं, और इसी तरह हम अपने कुटीर उद्योग का काम कर सकते हैं। इसी तरह हम कोई माटी, ये आप देख ही सकते हैं, मैंने चार्ट में लिखा हुआ है कि ये सब हम ऐसे बना सकते हैं कि जैसे कोई भी माटी का मटका हो या कोई भी चीज हो, उस पर रंग करनी है, आपको उसके पैसे मिलेंगे, आपकी मेहनत के पैसे मिलेंगे, बिकॉज कि हम इस माटी के मटके पर हमें सिर्फ कलर करना है। माटी का मटका अगर आप घर पे बना सकते हैं तो वो भी बेस्ट है, और माटी के आपको वाटर कलर की जरूरत पड़ेगी, थोड़े
आगे के कलर ये सभी कलमों में स्त्रियों को आगे बढ़ाना चाहिए कि स्त्रियां घर पर रहकर भी कुछ भी कार्य कर सकते हैं और हमें ये सब चीजें बनाकर घर में कुछ कमा सकते हैं। जब लॉकडाउन में बेरोजगारी का था, लॉकडाउन की बात नहीं करते, फिर आगे पॉइंट पे आते हैं कि जब कुछ भी हो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर भरत गुथन की कला है जो राजस्थान में खूब विकसित हुई है और हम इसे बढ़ा कर आगे बढ़ सकते हैं। इसे बस हमें कुछ चीजों की जरूरत चाहिए, हम इसे आगे ही बढ़ा सकते हैं। हमें बस कुछ चीजों की जरूरत चाहिए, इसे बनाकर हम सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए और हमें ऐसे ही चीजों के उपयोग से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप सब ये सब चीजें ट्राई करना और आप अपने लॉकडाउन में भी है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बिकॉज आप ये सब चीजें घर पर बना सकते हैं, जबकि आप ये सब चीजें दुकान पर लेना चाहेंगे तो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। ये हम घर पर बना सकते हैं और इसमें से बेस्ट बना सकते हैं और इस तरह हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद जय भारत अस्तु। जय हिंद जय भारत अस्तु।